हेलो दोस्तों, राधा की रसोई चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मटर पनीर बनाने की रेसिपी। मटर पनीर खाना किसको अच्छा नहीं लगता, बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पनीर हमारा हार्ड हो जाता है, नहीं तो उसमें कच्चेपन का स्वाद रह जाता है, जिससे मटर पनीर का टेस्ट जो है वो अधूरा रह जाता है। लेकिन आज हम एक टिप्स के साथ बनाएंगे, जिससे हमारी पनीर एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बन के तैयार होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम जितना फ्रेश मटर लिया है। मटर को हमने अच्छे पानी में वॉश कर लिया है। अब हम एक बर्तन में लेते हैं 1 गिलास जितना पानी। पानी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहीं पर ऐड कर देंगे हम मटर और ढक्कन से ढककर इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ हमने लिया है 300-400 ग्राम जितना पनीर लिया है। पनीर को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे चाकू की मदद से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब हम लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल की जगह आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे इसमें पनीर। पनीर को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पनीर का कलर कितना खिला खिला आ रहा है, एकदम गोल्डन ब्राउन जैसा हो के आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें फ्राई करना है। अब हमने यहाँ गुनगुना पानी रख लिया है और पनीर को हमने छान कर तुरंत ही हमें गर्म पानी में डाल देना है और उसमें भिगा कर हमें छोड़ देना है। यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर लिया है, दोनों को हमने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 इंच आदि का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं। इसी कढ़ाई में हमने तेल बचा हुआ था तो इसी में हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमने डाला है लहसुन आदि मिर्चा। यहीं पर ऐड करेंगे हम प्याज। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। यहीं पर ऐड कर दिया हमने टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो प्याज और टमाटर हमारे दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर बैटर एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सर जार में एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे राई और जीरा। राई और जीरा अच्छे से चटक जाए यहीं पर ऐड करेंगे हम 1 चपटी हींग। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। अब हम ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग, 1 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची ली है। आपके पास अगर बड़ी वाली इलायची है तो वो भी यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। यहीं पर ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे ग्रेवी को हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे। तब तक भूनेंगे कि जब तक हमारे ग्रेवी में से तेल ना छूटने लगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रेवी में से हल्का हल्का तेल छूटने लगा है। इसी स्टेज पे हम मसाले ऐड कर देंगे। तो हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहीं पर ऐड करेंगे हम मटर पनीर मसाला 2 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। अब हम डालेंगे इसमें मटर और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज में हम पानी डाल देंगे। आपको जितने पानी की ज़रूरत हो आप इसे स्टेज पे डाल दें। तो अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें पानी डालेंगे।
तो आपको जितने पानी की ज़रूरत हो उतना पानी डाल लें, आपको जैसे ग्रेवी पसंद हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन से ढककर इसमें हम एक दो बॉईल आने देंगे। पनीर को हम पानी में से निचोड़ लेते हैं। यहाँ हमने पानी में से पनीर को अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसे ऐड कर देंगे। पनीर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। यहाँ हमने दूध का मलाई लिया है, आपके पास अगर फ्रेश क्रीम हो तो यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी अच्छे से चेंज हो जाता है। यहीं पर ऐड करेंगे हम धनिया, हरा धनिया काट कर डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। अब हम आपको पनीर चेक करके दिखाते हैं कि हमारा पनीर कैसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जालीदार बनके तैयार हुआ है। लाइक